बस एक धर्म वैदिक
पाखंड में फंसे ना, मानव हो सच्चा मानव, मानव हो सच्चा मानव, संदेश ये सुनाना, संदेश है बड़ी सुंदर भावनाएं भजन में बताई गई। क्या कहा कि ऐ काश लौट आए ऋषियों का वो जमाना, वही वैदिक युग पुराना। तो आप बताइए, सृष्टि के प्रारंभ से महाभारत पर्यंत तक जो काल था, जो समय था, उसको वैदिक काल कहते हैं। उस समय, उस काल में मात्र वेदों को पढ़ाया जाता था, वेदों को पढ़ते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। वो कैसे? जैसे प्रत्येक देश का एक संविधान होता है और उस संविधान, वो संविधान देश को चलाने के लिए होता है और सारे लोग उस संविधान का पालन करते हैं। जो व्यक्ति उस संविधान का उल्लंघन करता है उसको दंडित कर दिया जाता है। वैसे ही परमपिता परमेश्वर ने इतनी बड़ी सुंदर सृष्टि रचाई और उसका संविधान बनाया, वो क्या बनाया? अर्थात वेद। वेद ईश्वर का संविधान है। तो जो सारे लोग, जो जो लोग इस वेद का, इस संविधान का उल्लंघन करते हैं, उनको तो दंडित किया जाता है। और जो इस वेदों का पालन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और पालन करते हैं, उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो वो किस प्रकार पुरस्कृत किया जाता है? तो ये सारी बातें इस भजन में, सारी बातों का उल्लेख किया। क्या क्या बता दिया, क्या बताया? एक भी न चोर होवे, न शराबी, न जुआरी। अब यह जो वाक्य है, यह वाक्य छांदोग्य उपनिषद के हैं। छांदोग्य उपनिषद में यह वाक्य कैकेय देश का राजा, राजा अश्वपति, उन्होंने यह वाक्य कहे। वाक्य क्या कहे? वो कहते हैं कि मेरे राज्य में कोई शराबी नहीं, कोई जुआरी नहीं, कोई भी अविद्वान नहीं, कोई मूर्ख नहीं, और क्या बताया आगे कि कोई अनाहुति अग्नि नहीं, अर्थात कोई भी मेरे राज्य में ऐसा व्यक्ति नहीं जो हवन ना करता हो, सारे लोग हवन करते हैं। फिर आगे बताया मेरे राज्य में कोई भी व्यभिचारी पुरुष नहीं। तो जब व्यभिचारी पुरुष ही नहीं तो नारी की तो बात ही क्या, नारी तो फिर हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से अब यह बात कौन, ये वाक्य कौन कह रहा है? कैकेय देश का राजा, राजा अश्वपति कह रहे हैं। तो इससे क्या अवगत हो रहा है, इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा उसका अनुकरण करती है। तो राजा कैसा था? राजा ज्ञानवान, गुणवान, धर्मवान और न्यायकारी, हर तरह से नैतिक और प्रमाणिक है। इसीलिए उसके राज्य में सारे लोग भी धार्मिक है, ज्ञानवान है, गुणवान है, हवन यज्ञ करते हैं और सारे बुराइयों से दूर है। तो यह बात क्या सिद्ध करती है कि जितना बड़ा पद, उस पद का दायित्व भी और अधिक है, क्योंकि जितने भी अन्य लोग होते हैं उस बड़े का अनुकरण करते हैं। जैसे बड़े करते हैं उनको देख के छोटे भी वैसा ही करते हैं, अन्य लोग और छोटे सामान्य लोग वैसा करते हैं।
तो इस बात से हमें क्या उपदेश मिल रहा है कि जितने भी क्षेत्रों में जितने भी अधिकार है, पद हर जगह होते हैं, हर क्षेत्र में पद होते हैं, तो जहां जहां पद हैं और जहां जहां पद अधिकारी हैं, उन उनका दायित्व बहुत अधिक है, उनका पद महत्वपूर्ण है, उनका दायित्व भी महत्वपूर्ण है। उनको क्या करना है? सत्यवान, निष्ठावान और ज्ञानवान, गुणवान, प्रमाणिक, नैतिक होना चाहिए, होना पड़ेगा। देखिए, शपथ दिलाई जाती है ना, किसी को भी पद सौंपा जाता है तो शपथ की विधि होती है। शपथ में क्या सुना है कि मैं निष्ठावान, निष्ठापूर्ण, कर्तव्य समझ के सेवा परोपकार से सब करूंगा, अपने पद की गरिमा को बनाए रखूंगा। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि उसको देख के बाकी जितने भी अन्य लोग हैं वो उनका अनुकरण करेंगे, तो वो जब न्यायकारी होगा, ज्ञानवान होगा, गुणवान होगा, तो सारे लोग ज्ञानवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे। इसीलिए पद का बड़ा महत्व है। पद अधिकार प्राप्त करना बहुत अच्छी बात, पर उस पद के लिए योग्यता प्राप्त करना और भी कठिन बात है। कठिन है पर बहुत अच्छी है। इस बहाने पद के कहते हैं ना, कम से कम कुर्सी की तो लाज रखी होती। हम कहते हैं ना, बड़े लोगों के मुख से सुनते, अरे अपने वस्त्रों की तो लाज रखी होती, कुर्सी की तो लाज रखी होती, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों करा, है ना। तो इसीलिए हम अपने पद की गरिमा बनाए रखने के लिए भी मनुष्य को गुणवान होना पड़ेगा, ताकि सारे विश्व में ये गुण का जो है, गुण नहीं है तो फिर राष्ट्र राष्ट्र नहीं है, मानव मानव नहीं है। इसलिए फिर एक और बात क्या बता दी यहाँ, सबसे सुंदर बात भजन में ये चर्चा करने योग्य है कि बस एक धर्म वैदिक मत संप्रदाय होना, सब एक धर्म वैदिक, सब वेद पथ चले, पाखंड में फंसे। जब से वैदिक काल था, देखिए, तब से सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। अब जितने भी मत, हम दूर नहीं जाते, समय कम है, हम अपने नजदीक देखें, हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास जितने भी सत्संग घर हैं, स्थान है, आप देखिए वहाँ कहीं पे भी वेदों को, ना वेदों को पढ़ाया जाता है, ना हवन कराया जाता है, ना ईश्वर से जोड़ा जाता है। ईश्वर से नहीं जोड़ा जाता, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं होता। आप बताए कहीं पे भी हवन होता है? आर्य समाज के अलावा कहीं जितने सत्संग है हमारे आसपास, सत्संग घर बहुत है, पर कहीं पे भी हवन कराया जाता है? नहीं, ना वेद पढ़ाए जाते, ना ईश्वर से जोड़ा जाता, गुरु, बस गुरु से जोड़ के और पाखंड, फिर सब इस तरह से चारों ओर हमें क्या दिख रहा है? पाखंड दिख रहा है ना। इसीलिए बता दिया कि मत पंथ हो ही नहीं। कितनी शुद्ध भावना बताई, जैसे पहले था, कोई मत पंथ था ही नहीं। ये महाभारत के बाद ही सारे मत, सारे पंथ, सारे संप्रदाय बाद में बने हैं, पहले तो कोई था ही नहीं। तो जिस तरह पहले सृष्टि में वैदिक काल मात्र वेदों को पढ़ो, ईश्वर की आज्ञा का पालन करो, तब देखो उसका उपाय, उसका फायदा भी बता दिया ना। एक भी चोर नहीं, एक भी जुआरी नहीं, एक भी शराबी नहीं, एक भी व्यभिचारी नहीं, कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई। तो ये उसका लाभ मिलेगा, ये पुरस्कार है ना ईश्वर का। वो कहता है मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो बस चारों ओर सुख शांति फैलेगी। जब इस तरह की बुराइयां कहीं पे भी पूरी समाज में आपको ढूंढने नहीं मिलेगी, पूरे राष्ट्र में, वो दावे के साथ कह रहा है राजा अश्वपति कि कोई एक भी नहीं है ऐसा व्यक्ति। आप सोचो जिस राज्य में ऐसा एक भी व्यक्ति दुराचारी, दुर्गुणी नहीं होगा, तो वहां स्वर्ग होगा कि नहीं? इसी को ही तो स्वर्ग कहते हैं, और किसको स्वर्ग कहते हैं? तो इस तरह से पूरा समाज, पूरा राष्ट्र और पूरा विश्व में स्वर्ग स्थापित करने का एक ही उपाय क्या बता दिया कि हमें वेदों की ओर लौटना। हमारे ऋषि ने भी एक ही बात बताई ना, देखो वो चाहते तो वो भी अपना नया संप्रदाय खोल सकते थे,
और वो भी अपनी वाहवाही, हाँ मेरे बनाए गए यहाँ आर्य समाज में पढ़ाना, कहा कभी ना वेदों से जोड़ा वेद पढ़ाना आर्य समाज में, क्या बता दिया मात्र वेद पढ़ना पढ़ाना ये आर्य समाज का स्थल है। कभी हम ऋषि बिचारे की गुणगान या उनके जो पुस्तक है रचे उनको हम रोज नहीं पढ़ाते, हाँ कभी कभार कोई संयोग वश कोई ऐसा बात चली तो दो लाइन बोल दी, बाकी कभी हम उनका उन्होंने स्वयं मना करा था वेदों को ही पढ़ना वेदों को ही पढ़ाना ईश्वर से ही जुड़ना ईश्वर के ही गुणगान करना मेरे नहीं। ऐसे ऋषि चाहिए, इसीलिए ऐसे ऋषि हमारे ऋषि सबसे अलग या सबसे यूनिक और सबसे महानता उनकी, ये सारी बातें कर्म कर्मों से मनुष्य जो है वो अलग और विशेष बन जाता है। तो इस तरह से हम एक आज मंत्र करते हैं, ऋग्वेद का मंत्र है, ॐ अपामि वाम विश्वामनाहुतिं परातिं दुर्विदत्राम् अघायतः आरे देवा द्वेषो अस्मदुयुक्तनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। अब इस ये ऋग्वेद का है मंत्र, 10वां मंडल और 62वां सूक्त और मंत्र संख्या 12। अब इसका हम प्रथम शाब्दिक अर्थ करेंगे, तो क्या बता दिया अपामी वाम विश्वाम अनाहुति प्रथम पद आया, तो अप अवामी अप अवामी तो अप अर्थात दूर करना, अवामी अर्थात शक्तिहीनता और विश्वाम अर्थात संपूर्णता से, अशक्ति को शक्तिहीनता को दूर हटाओ। हे परमपिता परमेश्वर शक्तिहीनता को दूर हटाओ संपूर्णता से। तो शक्तिहीनता मुख्य रूप से 3 पदार्थों में होती है, शारीरिक मानसिक और आत्मिक। शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति कभी बढ़ती है कभी घटती है, और आत्मिक शक्ति इन दोनों साधनों पर निर्भर है, क्योंकि हम आत्मा उनका निकटतम साधन क्या है शरीर और मन, शरीर और मन के माध्यम से आत्मा सारे कार्य संपन्न करता है। तो जब शरीर और मन सशक्त होते हैं शक्तिशाली होते हैं तो आत्मा भी शक्तिशाली बन जाता है, और जब मन और शरीर निर्बल होते हैं शक्तिहीन होते हैं तो हमारी आत्मा भी शक्तिहीन हो जाती है। तो जब आत्मा शक्तिहीन हो जाएगी तो उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता, संपन्न अच्छी तरह से नहीं होता, उसमें विघ्न बाधाएं और बहुत सारी समस्याएं। तो इसीलिए क्या बता दिया कि शक्ति बढ़ाना, क्या बता दिया मंत्र में कि हमसे दूर करो, क्या दूर करो शक्तिहीनता को दूर करो, तो उसका उपाय भी मंत्र में बता दिया। दूसरा पद क्या आया अपामि वाम विश्वाम अनाहुतिम परातिम दुर्विदत्राम अघायत, 4 शब्द आए 4 उपाय बता दिए। प्रथम उपाय क्या बताया अनाहुतिम, सिंपल है आप ध्यान से सुनोगे तो आपको अर्थ भी, अनाहुति अनाहुति अर्थात आहुति न देना, आहुति न देना अर्थात यज्ञ न करना। तो यज्ञ न करने की जो भावना है उसको हे ईश्वर हमसे दूर हटाओ, क्योंकि उससे हमारे शरीर की शक्ति घटती है हमारे मन की शक्ति घटती है और फिर अंत में हमारी आत्मा की शक्ति घटती है। वो कैसे तो हवन करने से मुख्य रूप से 2 लाभ हैं, एक तो भौतिक लाभ और दूसरा आध्यात्मिक लाभ। तो भौतिक लाभ में सर्वप्रथम तो कौन सा लाभ है कि ये जो हम गाय का शुद्ध घी और ये जो हन सामग्री में जो आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियां होती है उनमें जो रोग के कीटाणु होते हैं ना, रोग के कीटाणुओं को नाश करने की मारने की उनमें शक्ति होती है।
तो अर्थात वो बैक्टीरिया जो रोग के कीटाणु होते हैं बैक्टीरिया, उनको ये घी और सामग्री जलाने से वो नष्ट हो जाते हैं। तो मनुष्य क्या हो जाएगा, निरोग हो रहेगा ना, स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से शरीर स्वस्थ रहता है। फिर दूसरा लाभ क्या होता है, वही वायु फिर ऊपर जाके बादलों में जाती है तो बादलों को शुद्ध करती है। फिर बादल जब नीचे बरसते हैं तो हमारे फसलों को शुद्ध करते हैं। फसलों में जितना भी अनाज फल फूल शाक भाजी औषधियाँ वनस्पतियाँ सबको शुद्ध कर जाता है। तो वही सब हमारे पास लौट के आ होती, हमारे पास आ गई ना, वो सब शुद्ध हो गया, ऊर्जावान हो गया और शुद्ध अनाज शुद्ध सारे फल हमें खाने को मिलते हैं। तो एक ये लाभ हुआ। तीसरा लाभ है कि प्रदूषण, आज प्रदूषण की समस्या पूरे विश्व में है, तो प्रदूषण को भी इसका भी समाधान मात्र हवन से है। पर्यावरण को संतुलित बनाता है हवन। सारे साइंटिस्टों ने अभी रिसर्च करके ये प्रूव कर दिया कि हवन जो है वो एक ही उपाय है इस प्रदूषण को हटाने का, हवन करना। स्वयं साइंटिस्ट भी हवन करते हैं बड़े बड़े देशों में, भारत को छोड़ के बड़े बड़े देशों में सब हवन की ओर लौट रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रदूषण पोल्यूशन से सबको मुक्ति चाहिए। तो इस तरह ये भौतिक लाभ हुए। फिर आध्यात्मिक लाभ पता है क्या है, वो जो हम बार बार एक ही मंत्र के अंत में जो इदन्नमम, अब इदन्नमम का अर्थ पता है क्या है, कि ये मेरा नहीं है। तो ये तो प्रतीक है, सिंबल है कि भाई ये जो आहुति है मेरी नहीं। वास्तव में वो हमें यह सिखाया जा रहा है कि मेरे पास जो भी धन है, विद्या है, बल है, गुण है, शरीर है, धन संपत्ति जो कुछ भी है, हे ईश्वर, वो मेरा नहीं है, वो आपका है, आपका दिया हुआ है। तो ईश्वर कहता है हाँ ये मेरा है, ये तू अपनी बुद्धि में ध्यान से रख कि ये जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं है, तुमको दिया गया है, इससे तू स्वयं भी लाभ ले, औरों को भी लाभ दे, मात्र तुम्हारे लिए ये नहीं है। आप सोचेंगे अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हमारे घर में आप छोटी सी बात देखें, जो टीवी है, मोबाइल है, एसी है, पंखा कूलर आदि आदि जितनी वस्तुएं, क्या वो सब वस्तु हम बना सकते हैं? तो ये सब जितनी भी वस्तुएं बनाने में करोड़ों लोगों के हाथ हैं, तो करोड़ों लोगों का योगदान है, तो आप भी योगदान करो ना, आपको भी योगदान करना पड़ेगा। ये सारी सृष्टि जो है ईश्वर की, ये एक बड़ा बहुत बड़ा यज्ञ का कुंड है, यज्ञ स्थली है, जिसमें सब रात दिन यज्ञ कर रहे हैं। ईश्वर भी यज्ञ कर रहा है और पशु पक्षी प्राणी भी उसमें आहुति डाल रहे हैं। क्यों, कैसी, वो उनका कुछ ना कुछ योगदान है इस सृष्टि को चलाने में, तो उस प्रकार से वो भी यज्ञ कर रहे हैं। तो फिर एक मानव ही ऐसा है जो वो जानता है कि ये सारी सृष्टि यज्ञ है, यज्ञ से ही सृष्टि की सत्ता है, और मेरे अंदर भी यज्ञ हो रहा है, मेरे बाहर भी यज्ञ हो रहा है, फिर भी वो यज्ञ करने से क्यों, क्या पता क्यों कतराता है, यज्ञ करने में उसकी रुचि नहीं बनती, वो यज्ञ करने से विमुख है। आज आप देखें कितने घरों में, सच बताएं, बहुत गिने चुने घरों में यज्ञ होता है ना। यहाँ क्या बता दिया था, प्रथम छांदोग्य उपनिषद के जो वाक्य क्या बता दिया था, क्या बताता है राजा अश्वपति, कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो हवन नहीं करता। तो इसका तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक घर में प्रत्येक मानव को प्रतिदिन हवन करना है, तब जाके सृष्टि का ये जो वातावरण है वो शुद्ध और संतुलित बना रहेगा। तो इस तरह से हमें क्या सिखाया जाए कि अनाहुति, अनाहुति नहीं करनी, उससे आहुति देने से हमारा शारीरिक मानसिक और आत्मिक बल तीनों बल बढ़ते हैं। तो प्रथम क्या उपाय बताया, अनाहुति। फिर दूसरा क्या शब्द आया, आरातिम, अप आरातिम, अप अर्थात दूर करो, फिर आरातिम अर्थात कृपणता, कंजूसी, दान न देने का भाव, ये सबसे बड़ा शत्रु, ये सारे शुभ कर्मों से मनुष्य को दूर कर देते। ना ना हवन नहीं करूंगा, खर्चा हो जाएगा, सत्संग नहीं 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 खर्चा हो जाएगा, हर बात में शुभ कर्म में उसको एक ही बात दिखती है, वो उसकी कृपणता सामने आ जाती है, हृदय भी बंद है, मुट्ठी भी बंद है, उदारता सीखी नहीं और मात्र कंजूस के पुराना
खर्चा हो जाएगा। तो क्या बता दिया कि आपका ये जो सारे शुभ कर्मों को वंचित करता है आपकी कृपणता, तो क्या बता दिया कि हे ईश्वर मेरी मेरे अंदर से कृपणता को हटाओ, दूर करो, ताकि मैं सारे शुभ कर्म कर सकूं। शुभ कर्मों से वंचित मनुष्य नहीं हो जाए। जब शुभ कर्म करेगा तब तो फिर उसके शारीरिक बल बढ़ेगा, उसका मानसिक बल बढ़ेगा, उसका आत्मिक बल बढ़ेगा। कई लोग तो इस हद तक कृपण होते हैं कि स्वयं पर भी पौष्टिक आहार फल फूल आदि नहीं नहीं महंगा है, खर्चा हो जाएगा, सस्ता वाला खाएंगे भले बीमार पड़ेंगे, वो लंबी सोच नहीं है ना, ज्ञान नहीं है, सस्ता वाला खा के बीमार पड़ेंगे, डॉक्टरों को धन देंगे, पर अच्छा वाला शुद्ध पौष्टिक फल जो अच्छा आहार है थोड़ा महंगा है, ठीक है, क्या करें, अब महंगा है तो है, तो उसको आहार उसको लेना, तो ये कृपणता हर तरह से मनुष्य को दुख पहुंचाती है, तो कृपण भी कभी नहीं होना। तो तीसरा शब्द कौन सा आया, अनाहुति पराति दुर्विदत्राम। दुर्विदत्राम अर्थात दुष्ट बुद्धि, हे परमपिता परमेश्वर दुष्ट बुद्धि को मेरे से दूर करो। तो दुष्ट बुद्धि अर्थ क्या है, दुष्ट बुद्धि का अर्थ है माता पिता गुरु आचार्य सबकी अवहेलना करना, कृतघ्न बनना, सत्याचार न करना, न्यायपूर्ण व्यवहार न करना, कृतघ्न बनना, इस तरह से हवन न करना, शुभ कार्यों से हट जाना, अधार्मिक बनना, धर्म से रुचि न लेना, सत्संग में रुचि न लेना, ये सब दुष्ट बुद्धि है ना। दो बुद्धि होती है ना, सुमति और कुमति। सुमति अर्थात अच्छी मति, सतबुद्धि अच्छी बुद्धि जो उत्तम कार्य करे वैसी बुद्धि, और कुमुद्धि अर्थात खराब बुद्धि जो दुर्बुद्धि जो हमेशा गलत बातों में अवगुणों में रची पची रहे, वो उसको दुर्बुद्धि कहते हैं। तो इसीलिए हमें दुर्बुद्धि से भी दूर हटना है, हमें हमेशा अपनी बुद्धि को सुबुद्धि बनाए रखना है, मेधा बुद्धि बनाए रखना है, अच्छी बुद्धि बनाना है। तो अच्छी बुद्धि से प्रज्ञा, जो अंत में वो ही बुद्धि, फिर बुद्धि का नाम ही उसका परिवर्तित हो जाता है, क्या बन जाती है, वो प्रज्ञा कहलाती है। इतनी बुद्धि को हम साफ सुथरा सुंदर स्वच्छ चमकीला बनाए कि वो प्रज्ञा बन जाए। और प्रज्ञा क्या करती है, प्रज्ञा हमारी आत्मा का भी अवलोकन कराती है और ईश्वर का दोनों की अनुभूति कराती है। और वो कब होगा, जब हमारी बुद्धि सबुद्धि होगी, सतबुद्धि होगी, तो हम शुभ गुणों को धारण करते 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 फिर अंत में मोक्ष की प्राप्ति अवश्य मेव कराएगी, ये प्रज्ञा बुद्धि है। तो फिर चौथा शब्द क्या है, अनाहुतिम परातिम दुर्विदत्राम अघायत। अघ अर्थात पाप वृत्ति, हे प्रभु मुझे पाप वृत्ति से दूर करो। पाप वृत्ति, अब पाप वृत्ति क्या है, किसी को भी दुख पहुंचाना वो सबसे बड़ा पाप, मन से वचन से कर्म से किसी को दुख न देना, ये धर्म है, मन से वचन से कर्म से किसी को भी दुख देना यह सबसे बड़ा पाप है, अधर्म है। तो किसी को भी हमें दुख नहीं देना, ये पाप वृत्ति सबसे बड़ी पाप वृत्ति यही है। तो इन चारों बातों को हमें ईश्वर से क्या मांगा, मंत्र ने हमें क्या सिखाया कि दूर कर दो, इन चारों बातों से, चारों अवगुणों से हमें दूर कर दो। कौन से चार अवगुण बताए, अनाहुतिम अर्थात यज्ञ न करने की भावना, फिर अरातिम कृपणता, फिर दुष्ट बुद्धि, और चौथा पाप वृत्ति। इन चारों से हमें दूर रहना है। फिर दूसरी पंक्ति में क्या आया, अपामि वाम अपविश्वाम अनाहुतिम परातिम दुर्विदत्राम अघायतः आरे देवा द्वेषो अस्म द्वियोतनो ऋणः शर्म यच्छता स्वस्तये। तो दूसरी पंक्ति में क्या बताते हैं, आरे देवा, देवा अर्थात विद्वान जन, दूसरी पंक्ति में विद्वानों को संबोधित किया गया है, हे विद्वान जन आप आओ, आरे देवा द्वेषो द्वेष अस्मत द्वियो तनो ऋण है, इसका पद छेद होगा अस्मत अर्थात हमसे, अस्मत युयोधि अर्थात हटाओ, नह नह अर्थात हमारे, उरुण अर्थात बहुत। तो क्या बता दिया, आरे देवा हे विद्वान जन आओ और हमसे ये हमारे साथ जो
द्वेष चिपका पड़ा है, द्वेष से हम लिप्त हैं, द्वेष को हटाओ। हे विद्वान जन आओ, हमारे अंदर से द्वेष को हटाओ। तो विद्वान जन क्या करते हैं, वेदों की वाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, आत्मसात करके अपने अंदर से प्रथम सारे द्वेष को हटाते हैं। जब उनका मन स्वच्छ हो जाता है, फिर सामने वालों को वो द्वेष हटाने में उनको योग्य करते हैं, उनको नाना विधि से समझाते हैं, कहानियों से, माध्यम से, हर एक तरह से उनका उत्साह बढ़ाते हैं, उनको समझा के और उनका द्वेष दूर करते हैं, उनको बताते हैं द्वेष से बहुत सारा नुकसान। द्वेष को बताए हमने पहले बहुत सारे मंत्रों में किया हुआ है, द्वेष को मृत्यु का सीढ़ी बताया, प्रथम सीढ़ी बताई कृपणता और दूसरी सीढ़ी मृत्यु की बताई द्वेष। क्योंकि द्वेष से पता है, जब द्वेष से मानव लिप्त हो जाता है ना, अंतःकरण में मन में द्वेष किसी के प्रति भर जाता है ना, तब वो मानव से दानव बन जाता है। उसको कुछ सही नहीं सूझता, वो उल्टा ही सोचता है, अच्छी बात भी उसको उल्टी दिखेगी, फिर वो उसको हमेशा परेशान करेगा, मन से, वचन से, कर्म से उसको दुख ही पहुंचाएगा। तो इस तरह से द्वेष बड़ा हानिकारक है। किसी के भी प्रति द्वेष नहीं पालना, कोई बात नहीं ऐसा बोला था तो क्या हो गया, मैं नहीं बोलता क्या, मैं भी बोलता हूँ, ठीक है ना, उसने भी बोला, मैंने भी बोला, बात खत्म करो ना, क्यों द्वेष, काहे का द्वेष, कभी द्वेष घृणा, इनको तो हमारे वेदों ने तो इनको बुरा कहा ही है, साइंस ने भी प्रूव कर दिया, साइंटिस्ट कहते हैं ये जितने भी द्वेष है, अभिमान है, घृणा है, नफरत है, इनमें से जूस निकलते हैं और वो जूस हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण यही जूसेस होते हैं। तो शरीर निर्बल होता है, रोगी होता है, फिर मन भी रोगी हो जाएगा, तो आत्मिक शक्ति भी घटी ना। तो ये मानसिक शक्ति बढ़ाने के उपाय बताए जा रहे हैं, क्या कि द्वेष को हटाना। हे विद्वान जन आओ, हमारे अंदर से द्वेष को हटाओ। फिर अंत में चौथा पद क्या आया, उरुण शर्म यच्छता स्वस्थ, नह उरुणा, नह अर्थात हमारे लिए, उरुण अर्थात बहुत, और शर्म अर्थात सुख, और फिर क्या है, यच्छते अर्थात देव, और स्वस्थ अर्थात कल्याण के लिए। हे विद्वान जन आओ, हमारे कल्याण के लिए हमको बहुत सारा सुख देव। अब एक अंत में छोटा सा रोचक दृष्टांत सुनते हैं। तो मनुष्य क्या करता है, उसको सुख चाहिए होता है, तो वो जब देखो जब सुख के पीछे भागता रहता है, तो एक बार सुख गया ईश्वर के पास शिकायत लेके, बोला ये जो मानव है ना मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है, हे प्रभु मुझे छुपा दो। तो ईश्वर ने कहा आजा मेरे पास, मैं तुम्हें ऐसी जगह छुपाऊंगा कि तुम्हें कोई देख ही नहीं पाएगा, आजा मैं तुम्हें मन के अंदर छुपा देता हूँ। तो ये ईश्वर का वाक्य एकदम से सत्य है, जो सुख है वो मन में है। आप कहीं भी कोई प्रश्न पूछे कि सुख का ठिकाना पता कहाँ है, तो उसका उत्तर पता है क्या आएगा, कि सुख का पता मन है, मन के अंदर सुख रहता है, मन का ठिकाना, सुख का ठिकाना मन के अंदर है। तो जिन लोगों ने मन के अंदर अंतःकरण में डुबकी लगाई, अंतःकरण में उसको ढूंढा, उसको तो सुख अवश्य में प्राप्त हो गया, और जिन लोगों ने बाहर ढूंढा तो वो युग युगांतर से, जन्म जन्मों से बाहर ढूंढते रह जाएंगे, पर उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज जहां होगी वहां से प्राप्त होगी। तो ईश्वर ने कहा मैंने मन में सुख को रखा है, तो ईश्वर का जो वाक्य वो सत्य है। तो इसको अनुभूति में आप करके देखिए, जिसने मन के अंदर अंतःकरण में अंतः ध्यान करण किया, तब मन के अंदर डुबकी लगाई तो सुख प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमें इतनी सुंदर सुंदर बातें, तो हम इसका भाव अर्थ एक सेकंड, हे विद्वानों आप हमारी संपूर्ण शक्तिहीनता को दूर करो, यज्ञ न करने की भावना को दूर करो, पाप वृत्ति को दूर करो, दुष्ट बुद्धि को दूर करो। हे विद्वान जनों द्वेष बुद्धि को हमसे दूर हटाओ, हमारे संपूर्ण कल्याण के लिए आप हमें भरपूर सुख प्रदान करो।
तो इतनी सुंदर बातें बताई जा रही है कि नाना प्रकार के अनेक अनेक हमें देखो कितना सुंदर अवसर मिलता है। अनेक विद्वानों से हमें नाना विधि से अलग अलग बातों से दृष्टांतों से मंत्रों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके और हमें सुख प्राप्त करना है। सुख प्राप्त करने की विधि कैसे हम अंदर में डुबकी लगाएं, कैसे उस सुख को प्राप्त करें और उस सुख को प्राप्त करके स्वयं भी लाभान्वित हो जाए सुख शांति और औरों को भी वो भी सुख शांति प्रदान करें। यह सुंदर मंत्र का यह अर्थ हमने बहुत अच्छे से कर लिया। हमारा समय भी हो चुका है तो आगे का हम अगली बार नए मंत्र के साथ ज्ञान की वृद्धि करते हैं। जी छोटी-छोटी जो पॉइंट होती है आज मंत्र की पॉइंट देखो कितनी सरल थी। हमारे अंदर से यज्ञ न करने की भावना, कृपणता, फिर दुष्ट बुद्धि और फिर पाप वृत्ति और द्वेष, ये सब दूर करने हैं और मन के अंदर डुबकी लगा के सुख को प्राप्त करना है। देखो सरल है ना, पूरा मंत्र का भाव अर्थ इतने दो शब्दों में बता दिया। आप इनको आप याद करके उपासना में भी कर सकते हैं और हर समय इसका स्मरण करके लाभान्वित। मंत्र हम सुनते हैं बड़े गहरे होते हैं तो उसका चिंतन मनन पूरा समय करिए। अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति रंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।